हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं नॉट योर एनमी के लास्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने सुना था जान अपने बारे में इपो को सब कुछ बता देता है कि वो सावे एंटरप्राइजेस का हायर है, और जैसे ही अवार्ड सेरेमनी ख़त्म हो जाता है इपो जान को अपनी फरारी में लेकर अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है। अब आगे की स्टोरी, इपो ड्राइविंग कर रहा था, जान जैसे ही देखता है कि इबो अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहा है तो जान कहता है, इबो क्या मैं अपने घर नहीं जा रहा हूँ? इबो कहता है, नहीं, तुम्हें तुम्हारा पनिशमेंट जरूर मिलेगा, यू नटी बॉय। जान को पता नहीं था कि इबो के माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि इबो के आवाज़ से लग रहा था कि वो गुस्सा नहीं है, कोई मजाकिया मूड में है। मगर वो कह रहा है कि वो जान को पनिश करेगा, मगर क्या वो उसे क्या पनिश करने वाला है? उसके दिमाग में तो ये सारी बातें चलने लगता है। जान विन करते हुए कहता है, इबो मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, मुझे कोई पनिशमेंट की ज़रूरत नहीं है। इबो कहता है, जान ये बस एक स्वीट सा पनिशमेंट है। जान अपनी आवाज़ को थोड़ी सी बढ़ाते हुए कहता है, क्या पनिशमेंट, वो भी स्वीट? इबो तुम बड़े झूठे हो। इबो कहता है, ठीक है जान, तुम ही देख लेना। जान को थोड़ा सा अजीब से फील होने लगता है, बहुत शॉक हो जाता है। वो विन करते हुए कहता है, मुझे घर जाना है, मुझे कोई पनिशमेंट की ज़रूरत नहीं है, मुझे घर जाना है। सडनली इबो जान के हाथ को स्लाइटली स्क्वीज करते हुए अपने उसके हाथ को अपने माउथ के पास लाकर उसे हाथ को किस करने लगता है। जान तो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, मगर वो कोई भी रिएक्ट नहीं करता। इबो जो भी कर रहा है उसे करने देता है, वो बस इबो को शॉकिंग से देखने ही लगता है। इबो का नज़र बस वो टाइपिंग पर था, वो उसकी तरफ बिल्कुल देख भी नहीं रहा था। जान देखता है इबो टीनी से स्मिक करते हुए अपने लिप्स को कर कर के स्लाइटली मुस्कुरा रहा है। अब जान विन करना भी बंद कर दिया था, क्योंकि इबो की ऐसी बर्ताव तो इबो पहले से ही जान को हार्ट अटैक आने वाला था। इसीलिए वो खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगता है और ताजी हवा खाने लगता है अपने आप को शांत करने के लिए, जो वो उसका दिमाग ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। और दूसरी तरफ साइलेंटली भी बहुत ज़्यादा अवकॉर्ड फील कर रहा था। जान बस यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो उसे कुछ भी कहे। जब इबो कुछ भी नहीं कहता तो जान उसकी नज़र को अवॉइड करने लगता है, क्योंकि वो अंदर से स्लाइटली ट्रेम्बलिंग कर रहा था। अब वो दोनों इबो के अपार्टमेंट पर पहुंच जाते हैं। इबो कार पार करता है और कार का डोर ओपन करते ही इबो जान के हाथ को पकड़कर अपने अपार्टमेंट की तरफ दौड़ने लगता है। जान तो ऐसा लग रहा था जैसे खुद अपॉपेट बन चुका है। इबो उसे जो कंट्रोल कर रहा है, जो उसे कह रहा है, वो बस वही कह रहा है। अब वो दोनों इबो के अपार्टमेंट पर पहुंच जाते हैं। जान अंदर से डरा हुआ था, जैसे यहाँ पर उससे कुछ होने वाला है। वो ट्रेम्बलिंग करने लगता है, शेकिंग करने लगता है। इबो उसकी तरफ देख कर उसकी तरफ खोल के देखने लगता है। जान को पता नहीं क्या हो गया, सडनली उससे ऐसा फील होता है जैसे उसके दोनों पैरों में कोई भी थकान नहीं है, वो नीचे गिरने ही वाला था। इबो जैसे ही देखता है वो तो पूरी तरह शॉक हो जाता है। वो क्विकली बेंड होकर ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर देता है और घबराते हुए कहता है, जान क्या हुआ, तुम इतना ज़्यादा ट्रेवलिंग क्यों कर रहे हो? जान कहता है, मुझे नहीं पता, बस मैं मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे नहीं पता। ये कहकर वो दोनों हाथों को इबो के नेक का रंग घुमाकर अपने फेस को इबो के चेस्ट पर छुपाने लगता है। अब इबो जान को अपने बेडरूम में ले जाता है और बेड के ऊपर बिठाता है और उसे एक ग्लास में पानी देता है। जान तो एक ही ढोक में सारा पानी पी लेता है। जान बहुत ज़्यादा नर्वस था, इसीलिए वो बस किसी के हाथ को पकड़ना चाहता था, इसीलिए वो इबो को बुलाने लगता है। इबो कहता है, जान क्या हुआ, तुमको चाहिए? जान कहता है, मुझे नहीं पता, मगर मुझे लग रहा है मैं थोड़ा सा सीक हूँ। इबो कहता है, कैसा सीकनेस?
जान कहता है मुझे पूछता अनकम्फर्टेबल फील होता है। ईपो जान की तरफ देखकर फंदली मुस्कुराने लगता है और कहता है, जान मैं भी थोड़ा सा सिकनेस महसूस कर रहा हूँ। जान कहता है, तो फिर अब क्या करेंगे हम लोग? ईपो कहता है, एक ही चीज़ है जिसे हमें सिकनेस से छुटकारा दे सकता है। जान तो पूरी तरह शॉकिंग से उसकी तरफ देखने लगता है। तो ईपो उसके पास आकर उसके सर पे थोड़ा सा स्लाइटली मारते हुए उसे किस करने लगता है। जान को पता नहीं था अब क्या हो रहा है, मगर उसे बहुत अच्छा फील हो रहा था। ईपो जो पहले जेंटली किस कर रहा था, उसके बाद वो जान को पेड़ पर थोड़ा सा पोज करते हुए उसे और किस करने लगता है। जान तो पहले बहुत ज़्यादा शॉकिंग में था, मगर जैसे ही उसे अच्छा फील होता है तो वो अपने आप में हिम्मत जुटा कर वो भी उसे रिटर्न किस करने लगता है। ईबो कहता है, जान आई लव यू। जान तो पहले बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, वो ऐसे फील करता है जैसे वो भी हेवन पे है। वो इतने दिनों से जो कंफ्यूज था, आखिरकार उसे समझ में आ जाता है कि वो ईबो से प्यार कर बैठा है। जैसे ही जान को ये रियलाइज होता है, वो इमिडिएटली ईबो को अपनी तरफ खींच कर उसे डीपली किस करने लगता है और किस के बीच में ही ईबो को बुलाते हुए उसे चिढ़ाते हुए कहता है, मेरा पनिशमेंट क्या है? ईबो कहता है, तुम बस मुझे प्यार करो, यही तुम्हारा पनिशमेंट है। जान कहता है, तुमसे प्यार करना ये कोई पनिशमेंट नहीं है, तुम्हें क्या कह रहे हो? ईबो जान के फेस को पकड़ते हुए कहता है, जान तुम मुझसे प्यार करते हो? जान अपना सर हिलाकर हाँ भरती है, मगर वो अपना मुंह नहीं खोलता। उसका फेस टमाटो की तरह पूरी तरह रेड हो गया था। ईबो कहता है, जान प्लीज़ तुम्हें कहना पड़ेगा, मैं बस ये सुनना चाहता हूँ, मैं तुमसे कब से प्यार करता हूँ, मैं बस तुम्हारा इतने दिनों से वेट कर रहा था और बस मैं सुनना चाहता हूँ, प्लीज़ जान बोलो। जान कहता है, क्या मतलब तुम्हारा, तुम कब से मुझसे प्यार करते हो? ईबो कहता है, एक्चुअली जब मैं कंपनी खरीदने वाला था तभी ही कंपनी के प्रोफाइल में मैंने तुम्हारे फ़ोटो देखा था, इसी वजह से मैंने ये कंपनी खरीद लिया था। जान तो पूरी तरह शौक हो जाता है, कोई कैसे एक फ़ोटो देखकर ही इसे इतने प्यार कर बैठेगा। ईबो कहता है, जान हाँ मैं तुम्हें प्यार करता हूँ बस एक फ़ोटो देखकर, उसके बाद तुम्हारे साथ जितने वक्त बिताता गया उससे ज़्यादा मुझे प्यार होता गया, मुझे नहीं पता कितना, मगर मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। यहाँ तक कि जब भी हम लोग साथ में यहाँ पर रहते थे तब मैं तुम्हें बस किस करना चाहता था। जान ईबो को चिढ़ाते हुए कहता है, ओ तो फिर तुम बहुत ज़्यादा ट्रेनी हो इसलिए कोई किस नहीं की। ईबो कहता है, क्या तुम रियली में बहुत ज़्यादा नॉटी हो? आज मैं पूरे रात भर जब तुम्हें किस करने वाला हूँ, यही तुम्हारा स्वीटली पनिशमेंट होगा। ये कहकर वो जान को किस करने लगता है और उसके पूरे फेस में किस करते हुए कहता है, ओ डार्लिंग आई लव यू सो मच। जान ईबो को थोड़ा सा पोज करते हुए कहता है, तुम मेरी सीधे से क्या बातें कर रहे थे, मुझे लग रहा था जैसे कुछ ठीक नहीं था। ईबो कहता है, तुम बहुत ज़्यादा शार्प हो, सीजी ने कहा मुझे अपनी बातों से ज़्यादा एक्शन करके दिखाना पड़ेगा कि मैं तुम्हें कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये कहकर वो फिर से जान को किस करने लगता है। जान तो बहुत ज़्यादा डर गया था, वो थोड़ा सा दूर करते हुए कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है, एक्शन मतलब सिर्फ किसिंग ना? ईबो जान को चिढ़ाते हुए कहता है, हाँ वो बस अभी के लिए। जान माई स्वेटर, मैं हमेशा तुम्हारे लिए वेट करने के लिए रेडी हूँ। जान गिगल करते हुए कहता है, माई डियर डार्लिंग, मगर मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम्हें कब तक वेट करना पड़ेगा। ईबो कहता है, वेट जान तुमने अभी क्या कहा? जान कहता है, डार्लिंग यस मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये कहकर वो अपना बनी सा टीथ दिखाते हुए जोर से स्माइल करता है। ईबो भी अपना लायन सा टीथ दिखाकर वो जान के ऊपर जंप करता है। जान को तो अभी थोड़ा सा रिलीफ फील होता है।
क्योंकि जब वो पहली बार इबो से मिला था, उसने गलत सोच बैठा था कि वो दोनों कोई एनिमीज है, मगर वो कोई एनिमीज नहीं थे। वो जो फीलिंग था, वो एक दूसरे से प्यार करते थे, मगर वो बस समझने में इतना लेट हो गया। वो दोनों कोई एनिमीज नहीं है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ स्टोरी यहीं पर ही ख़त्म होता है। फिर से मैं न्यू स्टोरी के साथ कॉल आऊँगी। आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।